जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब एग्जाम पेपर में जाते हैं तो उनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी करके से तैयारी करें उनको पता नहीं होते, बस रात दिन पढ़ने में लगे रहते हैं, और जब एग्जाम में वो जब स्कोर करते हैं तो काफी कम स्कोर होता है, मान लो कि 50 नंबर 100 में से। जबकि अगर उनकी मेहनत देखे तो मेहनत उनकी लगती है कि कम से कम 80 नंबर उनके आ जाने चाहिए। उनसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे जीके का पूछ लो, मैथ का पूछ लो, वो काफी अच्छा आंसर करते हैं। जीएस का पूछ लो, हिंदी का पूछ लो, या और किसी भी सब्जेक्ट का जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफी अच्छा आंसर करते हैं, ठीक है। और नहीं तो काफी टाइम, कम से कम दिन में 12 घंटे या इससे भी ज्यादा टाइम तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इतना पढ़ने के बावजूद भी जब स्कोर आता है, जब एग्जाम होता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एग्जाम के टाइम उनका स्कोर काफी टाइम ऐसा होता है कि अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, क्योंकि वो जब तैयारी करते हैं वहीं पे गलती करते हैं सबसे ज्यादा। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो होती है तैयारी करते समय। बहुत सारे बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, कुछ 12 घंटे, कुछ 10 घंटे, कुछ 8 घंटे, और आपने देखा होगा जब रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आता है तो होता ये है कि जो बच्चे 4 घंटा या 5 घंटा तैयारी करते हैं डेली, उनका नंबर आ जाता है। जो 12 12 घंटे तैयारी करते हैं उनका नंबर नहीं आ पाता। ये वास्तविकता आपने खुद ने भी ऑब्जर्व की होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत कम पढ़ के उनका नंबर आ जाता है, जबकि बहुत ज्यादा टाइम पढ़ने वाले बच्चों का नंबर नहीं आता। दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो बच्चे 12 घंटे या 10 घंटा, में ये नहीं बोलता कि 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ना गलत है, नहीं, कतई गलत नहीं है, पढ़ना हमेशा सही है, आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं, एक माइंड पे, यानी अपने माइंड में हमेशा एक प्रेशर लेके चलते हैं, क्या कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, कितने नंबर लाने हैं कितने नहीं लाने, मेरे तो भी टेस्ट में इतने नंबर आए, मेरे टेस्ट में इतने नंबर आए, इस चीज को लेके क्या करते हैं कि माइंड में काफी प्रेशर ले लेते हैं। तो लाड लो, माइंड में कभी भी जब आप पढ़ाई करते हो कभी इस चीज को नहीं सोचना है कि आपके इतने नंबर आएंगे या नहीं आएंगे या कितने नंबर आएंगे, ऐसा कभी प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। टेस्ट सीरीज मिलाते समय भी कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है कि आपके 50 नंबर ही क्यों आए। दोस्तों, हो सकता है कि उस पेपर में कुछ ऐसा हो जो आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि अगला जो टेस्ट सीरीज में आया वही पेपर आएगा। जब आपका एग्जाम होगा, जब एग्जाम होगा तो उस दिन क्या पता एग्जाम में वो चीजें आए जो आपने पढ़ी हो, ठीक है। तो इसलिए कभी भी माइंड में अपने ज्यादा लोड नहीं डालना है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि तैयारी करने का जो आसान तरीका क्या होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले जितने भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई से भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है कि हाँ मुझे क्या चीज तैयार करनी है, इसका सिलेबस किस प्रकार से पढ़ना, इसका लेवल किस प्रकार से तैयार करना। तो सबसे अगर आसान तरीके बात करो, आप आसान तरीका अगर मैं बताऊं आपको तैयारी करने का लाड दो, तो सबसे खास और सबसे आसान तरीका तैयारी करने का यही है कि आप एक रूटीन बना लो, ठीक से एक रूटीन बना लो कि मुझे कम से कम दिन में 6 घंटे या 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ाई करनी है। लेकिन किस समय पढ़ाई करनी है वो आप अपने मन के हिसाब से डिसाइड करो। किसके मन के हिसाब से? जिस समय आपका मन करे उस समय पढ़ना है, ठीक है, उस समय पढ़ना है, क्योंकि आपका दिल लगेगा उस टाइम पे। तो जिस समय आपका मन करे उस हिसाब से वो टाइम सेट करना है, ना कि किसी और के कहने से। कई बच्चों को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं वो ज्यादा याद होता है। नहीं लाड़ दो, ऐसा नहीं है। ये कुछ के साथ होता है, कुछ को नाइट में पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है, और कईयों को नाइट में पढ़ना काफी अच्छा लगता है। तो जिन बच्चों को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है वो नाइट में ही अपनी पढ़ाई करें, ठीक है, वो नाइट में ही अपनी पढ़ाई करें लाड़ दो। क्योंकि आपको अगर रात में अच्छा लगता है, कईयों को नींद भी नहीं आती रात में और पढ़ने का दिल भी करता है, तो वो नाइट में पढ़े। जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही पढ़े। कईयों को मॉर्निंग में अच्छा लगता है तो वो मॉर्निंग में पढ़े। अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करें। उसके बाद में सबसे जो आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपका मतलब बहुत वीक है, जिसमें आपके नंबर में मान लो बिल्कुल खराब, यानी सबसे खराब आपका कोई अगर सब्जेक्ट है उसको तैयार करना है, तो किस प्रकार से खराब सब्जेक्ट को तैयार करना है अगर मैं बताऊं, तो लाडो सबसे पहले क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है उसको आपका सबसे ज्यादा जब दिल करे पढ़ने का उस समय पढ़ना, यानी जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, जब अपनी पढ़ाई शुरुआत करते हो तो उसी से करनी है। हाँ मुझे पता है कि आपका 10 दिन तक इसको देख देख के दिमाग खराब रहेगा, और आपका इस जब आप शुरुआत इससे करोगे तो आगे पढ़ने का दिल
नहीं करेगा। लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि अगर आपने मान लो 3 घंटे पढ़ाई की और उसके बाद में अगर आपने वीक सब्जेक्ट को चुना, यानी जो आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उसको चुना, तो लाड लो आप इसको 30 मिनट भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि 3 घंटे आप पहले से ही थक चुके हो, उसके बाद में नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए क्या करना है, सबसे कमजोर सब्जेक्ट को सबसे पहले जब ज्यादा मन हो तब तैयार करना है कमजोर सब्जेक्ट को, ठीक है। जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले जब आपका ज्यादा पढ़ने का दिल करे तब पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में सबसे बढ़िया सब्जेक्ट हो, चाहे आपको मान लो किसी को जीके अच्छी आती है, किसी को मैथ अच्छी आती है, या किसी को हिंदी अच्छी आती है, किसी की जीएस अच्छी है, तो उस सब्जेक्ट को आपको उस समय पढ़ना शुरू करना है जिस दिन आपका दिल कम करे या जिस समय आपका दिल ना करे। जब दिल ना करे, दिलदार हमारी गली आ जाना, जब किसी की गली में जाने का दिल करे, तो उस समय आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपका बुकों में दिल लग जाएगा, और एक बार दिल लग गया बुक में तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको यहां तक कमजोर सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट को पढ़ना है इस प्रकार से। अब अगर हम आगे बात करें कि और भी अगर इसको और, अब जैसे ये तो हो गई कि आपकी पढ़ने की तैयारी, अब आपका जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद रह रहा है या नहीं रह रहा है, इसको कैसे तैयार करोगे, तो इसके लिए क्या करना है लाड लो, जैसे जैसे आप टॉपिक कोई भी अगर मान लो आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, कोई भी जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, क्या करना है उस टॉपिक का, अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो आपके उस टॉपिक के मुख्य मुख्य क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। जीके अगर पढ़ रहे हो, अगर मैथ पढ़ रहे हो यानी मैथ्स मिला रहे हो अगर आप, तो आपको उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बार बार हल करके और अपनी नोटबुक में उसका पूरा हल के सहित लिख लेना है, यानी उसके विथ आंसर विथ सॉल्यूशन लिख लेना है, ताकि वो बार बार आपकी नोटबुक में नजर आता रहेगा। तो इससे आप क्या, एक से दो बार उसको देखोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। अगर मैथ पढ़ रहे हो, हिंदी अगर आप कर रहे हो, हिंदी या इंग्लिश ये तो लैंग्वेज आप सभी को पता है, तो इसमें आपको जैसे कुछ प्रोनाउन की, या जैसे हिंदी में संधि हो गई, समास हो गए, पर्यायवाची, अगर कोई चीजें आप पढ़ रहे हो तो उनमें से जो आपको कुछ खास लगे, कुछ अलग लगे, उसको नोट कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी एक नोटबुक तैयार होती जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, जो आपकी काफी अच्छी मदद करेगी। उसमें वो चीजें रहेगी जो आपको नहीं आती, जो आपको नहीं आती, और जो नहीं आती उनको ही तो याद करना है, तो उस नोटबुक से आप सीधे उन क्वेश्चनों तक तो पहुंच जाओगे जो आपको नहीं आते, याद रखना, इसीलिए काम में आती है। अब मान लो आप जीएस पढ़ रहे हो, ठीक है, जीएस आपकी अगर कमजोर है, स्टेटिक जीके पढ़ रहे हो, कल्चर पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, जिसमें जो चीज नहीं आती है वो नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। उसका हल सहित लिखना है, उसका आंसर सहित लिखना है, उससे जब भी आपको लगे कि मेरा कमजोर जो शरीर है उस पर फोकस करना है, तो सीधा आपको सिर्फ एक नोटबुक उठानी है और उसको पढ़ लेना है। तो धीरे 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 आपकी ये नोटबुक बड़ी होती जाएगी, और जितनी ये बड़ी होती जाएगी उतनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो क्या होगा, आपके जो कमजोर सब्जेक्ट है, जो कमजोर आपकी बातें, जो कमजोरी आपकी है, जो आपकी कमजोरी है, वो अपने आप बदल जाएगी, किसमें, किसमें बदल जाएगी, अपने आप बदल जाएगी, कन्वर्ट टू होशियारी, यानी धीरे धीरे आपको चीजें याद रहने लग जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से एक नोटबुक बनानी है, आप चाहे SSC GD की तैयारी करो, चाहे आर्मी की तैयारी करो, आपका दिमाग चाहे कम चलता हो चाहे ज्यादा चलता हो, क्वेश्चन ये नहीं देखना छोटा है या बड़ा है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग से भी होते हैं। बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग का कुछ मेथड है वो समझ में ही नहीं आते कि सर ये रीजनिंग है क्या, वास्तविक इसका पंगा क्या है। तो लाड लो, रीजनिंग के लिए वैसे तो आपके पास में कोई ना कोई बुक तो होगी, कोई ना कोई बुक तो होगी, पक्का है कि कोई ना कोई बुक होगी। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई नियम या नहीं होते हैं, जैसे कि जिनमें कोई नियम नहीं होते, अगर इनमें कोई नियम नहीं है तो इनको क्या करना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं, क्या मांगते हैं, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा करनी है, तो ये अपने आप आने लग जाएंगे। अब कुछ इसमें रीजनिंग में ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे घड़ी, कैलेंडर, पासा, और जैसे आयु, सामान्य जो गणित के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनमें नियम होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी आपको वो नियम सीखने हैं, सबसे पहले आप जहां से भी क्लास ले रहे हैं आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नियम सारे जब समझ में आ जाए कि आपके यहाँ नियम आपको समझ में आ रहे हैं, उसके बाद में इन जो टॉपिक से जिनकी प्रैक्टिस चाहिए, इनकी केवल और केवल प्रैक्टिस चाहिए, जिनके नियम नहीं होते, तो उनकी आपको निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है, मॉडल पेपरों से, दूसरे पेपरों से, तो धीरे धीरे आपका दिमाग अपने आप साथ होने लग जाएगा रीजनिंग में दोस्तों। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है लाड लो। साथ ही अगर अभी तक आपने कमांडो ऐप
प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।